हेलो गेमर्स, मैं चुचाप, अभी आ बैक। और आज मैं खेलने वाला हूँ सुपर मार्केट सिमुलेटर, जिसमें मेरा एक दुकान होगा, जिसमें मैं कुछ चीज़ें रखूँगा, जैसे यू नो इन रियल लाइफ होता है वैसे ही। कुछ कस्टमर्स आएंगे, कुछ बच्चे आएंगे और उनको जो चाहिए होगा वो मैं बेचूँगा। तो या ये मेरी न्यू जर्नी है, जिधर मैं खुद का दुकान बनाऊँगा और एक कुछ तो हो जाऊंगा। चलो, वेलकम टू सुपर मार्केट सिमुलेटर। यू विल स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोर एंड ग्रो टू एन ऑसम सुपर मार्केट। यही करना है मुझे। मुझे एक बड़ा एक डीलर होना, एक मल्टी मिलियनर कंपनी बनानी है हमको। वाओ भाई, ये गेम की साइज कम है और ग्राफिक्स बहुत मस्त लग रहे हैं भाई। ओह अंकल, क्या बात है भाई। भाई इसकी गाड़ी भी अच्छी लग रही है। और ये दीदी जा रही थी यहाँ से, तो क्या ये फ्री रूम है ये गेम? ओ दीदी, कैसे हो आप? दीदी भाई मेरे अंदर से घुस के चली जा रही है भाई। और ये फोर्ड वाला बंदा आ रहा है शायद वहाँ से। तो या तो वो वाला सुपरमार्केट है गाइस मेरा। क्लोज्ड, अभी मैं फ़िलहाल क्लोज्ड हूँ, ओपन नहीं करना है मुझे। पहले देखते हैं इंट्रैक्ट कैरी। ओके इंट्रैक्ट करते हैं। ऑर्डर गुड्स यूजिंग योर कंप्यूटर, तो मैं पहले ऑर्डर करूँगा बैंक। तो क्या क्या कर सकते हैं अपन? प्रोडक्ट लाइसेंस, ओ पीनट बटर। अच्छा बेटा, तो प्रोडक्ट्स के लाइसेंस भी खरीदने पड़ेंगे मुझे, कि भाई अगर कुछ बेचना है अपने को तो उसका लाइसेंस चाहिए, जैसे ये इन रियल लाइफ में होता है। तो अभी 8 बजे है सुबह के और मेरे पास 50 रुपये है, तो मैं पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं अपन। मेरे पास 50 है ऑर्डर गुड्स। हाँ तो क्या क्या ऑर्डर करें? सीरियल, चॉकोपिक। सीरियल तो खाते हैं भाई बच्चे, लेकिन $35 का है भाई। पहले उनको क्वांटिटी में ज़्यादा रहना है, तो पास्ता ऑर्डर कर लेते हैं। $25 का फ्लोर कर लेते हैं, क्योंकि फ्लोर एक मतलब बहुत नीडी चीज़ है, मतलब मैदा सबको चाहिए रहता है। तो पहले नीड्स के बारे में देखते हैं, और पैसा भी कम है अपने पास, तो 2 ही पास्ता ऑर्डर करेंगे। फिलहाल के लिए 5 ही चीज़ें कर रहे हो भाई। ये दुकान देख रहे हो मेरी, ये मेरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है भाई। ओ ये मेरा, ये आ गया, बक्से आ गए, तो इसको पिकअप करते हैं एंड ओपन। और ये प्लेस कैसे करूँ इधर अभी प्लेस? ओ भाई नहीं नहीं नहीं, उसको इधर नहीं, सबको इधर ही रखते। एक 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 टाइप के कैटेगरी के प्रोडक्ट एक ही सेल्फ में रहेंगे भाई। ये ज़्यादा नहीं आ गए, इतने नहीं मांगे हैं मैंने। हाँ ये पास्ता हो गए, इसको फेंक दो, इसको इधर कोने में रख देते हैं अपन। फिलहाल के लिए कोने में रखते हैं चीज़ों को भाई। बहुत चीज़ें नहीं आ गई क्या? इतनी नहीं मंगाई मैंने। ये मैदे इधर जाएगा, ये ओपन किया मैंने, और ये यहाँ पे प्लेस। 1 2 3 भाई बहुत आ गया भाई, ये तो स्टॉक मेरा एकदम फुल हो गया है गाइस। एक के ऊपर एक रख दो ऐसे भाई। इतना ऑर्डर कर लिया मैंने भाई, और चीज़ें ऑर्डर करनी चाहिए थी ना। ये नीड्स का बहुत ही ध्यान रख दिया मैंने आई गेस, ये हक दिया मैंने। चलो फिलहाल के लिए, स्टार्टिंग के लिए बस नीड्स का देखते हैं कि ये कितनी चीज़ें बिकेंगी, उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि भाई आगे क्या ऑर्डर करना है अपने को। फिर देखेंगे ना लोगों की नीड्स भी, मतलब क्या है, अभी ज़्यादा बच्चे आएंगे या मतलब ज़्यादा क्या आएगा, उसके हिसाब से। अभी इनकी प्राइसिंग करनी है मुझे, तो प्राइजेज ऐसे हिसाब से करने पड़ेंगे जिसके हिसाब से अपन को प्रॉफिट होगा। तो जो कॉस्ट प्राइस है उससे अपने को देखना पड़ेगा कितना परसेंट अपन उस पर ज़्यादा करेंगे, अपन लगाएंगे। ये क्या है? ओ इधर वो रखना पड़ता है भाई, मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ, यहाँ पे फेंकने वो डब्बे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, कस्टमर जाएंगे तो वो कस्टमरों के सामने गंदा इम्प्रेशन पड़ेगा। ओ अंकल, अंकल सुनो ना, ये यहाँ पे एक नया अच्छा सा किराने का दुकान चालू हुआ है। अंकल इग्नोर मत करो यार, ऐसे क्या है भाई। अच्छा इधर मैंने देखा ही नहीं कि क्वांटिटी कितनी आती है, तो ये क्वांटिटी है भाई, एवरेज कॉस्ट जो भी है। हाँ एवरेज कॉस्ट जिसने की पड़ी है, तो प्राइस में इसकी $2 कर दूंगा। नहीं मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा है, मैं कम में बेच रहा हूँ इसको। तो मार्केट प्राइस 3.12 है, तो फिलहाल के लिए 3 में बेचूंगा मैं, थोड़ा कम प्रॉफिट ले लेंगे अपन भाई। मार्केट प्राइस नहीं देखी थी मैंने, और ये 3.71 का है, तो इसको 3.5 में बेचेंगे। चलो मैं अभी अपना श्री गणेशा करने वाला हूँ अपने स्टोर का, तो लेट्स गो। ये हो गया ओपन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइस। अरे आ गई पहली कस्टमर, आ गई। क्या चाहिए मैडम को? मैडम को क्या चाहिए? छोटू, छोटू नहीं इधर, छोटू मैडम को देख क्या चाहिए। मैडम ने एक मैदा लिया, और क्या लिया मैडम ने? मैडम ने एक पास्ता लिया, ठीक है। मैडम अब क्या इंटरेक्ट करना है मुझे, ठीक है।
इसका बिलिंग करना है। अच्छा बिलिंग करना है मुझे, ओके। हाँ दे पैसा दे पैसा दे, ओके। तो इसको टोटल इसका इतना हुआ है, ओके। अप्रूव नहीं, इनसफिशियंट चेंज। अच्छा चेंज देना है, कितना चेंज देना है इसको? 3 पॉइंट। अच्छा ओके ओके समझ गया, 1, 2, 3 और 5 सेंट्स ना, 3.50 ये हो गए मैडम का। ठीक है, ये मैडम ने 2 पास्ता लिए और 1 फ्लोर लिया, क्रेडिट कार्ड से पे कर रही है। ठीक है, कितना लेना है? 9.50 लेना है। ठीक है, 9.50 लिया मैडम से, ये हो गया मैडम का। ओके ये ले लो, आप भी कार्ड दे दो, आपका कितना लेना है? 6.50 लेना है आपका। ओके ओके डन डन डन, चली जाइए। सर अमीर लग रहे हैं, लेकिन सर ने बस 1 ही पास्ता लिया है, सर भी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, $3 का, चलो सर का भी हो गया, बढ़िया। और कौन आ रहा है? 4 कस्टमर हुए हैं अपने अभी तक, 2-3 अच्छे एक साथ आ गए रे, और आने चाहिए। कस्टमर हो, किधर हो? अरे यार सर वापस आ गए, आ जाओ सर, कुछ भूल गए थे आप? कुछ भूल गए थे क्या? चाहिए आपको अभी 4-5 चीज़ें ले लो इस बार। हाँ बढ़िया बढ़िया, अभी मैंने बच्चों की चीज़ें रखी नहीं, वो चॉकोबी को, तो उससे और ही हो जाता। कार्ड ले रहे सर, ओके। 6.50 का सर का लेना है, बढ़िया। सर जल्दी से आइए, वापस से आइए, शुभ दिवस हो आपका। अरे सर का डुप्लीकेट आ गया, ओके 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 ओके, सर आ जाइए, क्या चाहिए आपको? 1 फ्लोर लेंगे आप, बढ़िया, 1 फ्लोर ही लेंगे आप। क्या है आपका, क्या कुछ करो लाइफ में? अरे कैश दी सर ने, चेंज कितना देना है सर को? कुछ चेंज देना ही नहीं है, तो अप्रूव कर दूँ? अच्छा ये पास्ता दिया है इसने, इसका कितना चेंज है? अरे इसका बहुत चेंज है रे, ओके। ये और $60, 50, 6, 7 ये ले लो आपका चेंज। भाई ये कितना चेंज लेके गया साला, आज का $50 का धंधा हुआ है अभी तक अपना। ओके ओके और कौन आ रहा है, और कौन आ रहा है? अरे अरे एकदम, अरे जॉनी क्या चाहिए आपको? सर आपको जो चीज़ें चाहिए वो तो मिलेगी नहीं, लेकिन कोई नहीं, बढ़िया मैदा ले लिया। कितना हुआ आपका? 3.5, 3.5। एक बड़ा कस्टमर चाहिए अपने को भाई, लेकिन पहले दिन के हिसाब से इसका ज़्यादा धंधा नहीं हो रहा इतना कि ये कार्ड दे रहे। 6.50 लेंगे सर, ओके जल्दी आइए वापस से, ओके बाय सी यू। ओ मैं अलग अलग प्रोडक्ट लाइसेंस ले लेते हैं ना फिर, नहीं लेकिन इतना पैसा ही नहीं है अभी मेरे पास। क्या चाहिए सर को? एक छोटू रखना है मुझे, छोटू से बहुत अच्छे से ये हो जाएगा, मतलब छोटू सब अच्छे से मैनेज कर पाएगा, है ना। ये सर ने कार्ड दिया, $10 का लिया है, बढ़िया बढ़िया। ये हो गया सर का, आपने 2 चीज़ें लिया, आप भी कार्ड दे रहे हो, ओके भाई। 6 और इतने कम इसके लिए लोग कार्ड वार्ड देते भाई। अरे मैडम आ गए, मैडम आ गए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई। मैडम क्या ले रहे हो? मैदा नहीं, पास्ता लिया मैडम ने, और कुछ ले लेते मैडम। सी यू, जल्दी आइए मैडम वापस। तो अभी मैं कुछ आई थिंक रिस्टॉक करने की जरूरत है, मैदे की जरूरत तो नहीं है रिस्टॉक की, पास्ता रिस्टॉक कर सकता हूँ मैं, है ना। तो पास्ता मंगा लेते थोड़ा सा, देखो सीरियल मंगा लेंगे जिसमें 12 आएंगे, तो 1 सीरियल मंगा लेंगे ऐड टू कार्ट, $35 का है सीरियल। 1 स्लाइस्ड ब्रेड भी मंगा लेंगे ऐड टू कार्ट। अरे कस्टमर कस्टमर आ गई, नहीं कस्टमर, ओके कार्ड दे रही है मैडम, ओके 3.50, ओके डन डन डन, ओके मैडम जल्दी आइए वापस आइए, ओके। हाँ अभी मेरा उधर का सामान आ गया, मैडम आप कीजिए खरीदी कीजिए आप, मैं थोड़ा सा ये डब्बे वगैरह इधर रख देता हूँ। आपको जो लेना है आइए 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 आइए, क्या लेना है आपको? अच्छा मैडम ने अच्छी खरीदी की है, 9.50 भाई मैंने कम रखा है ना दाम, इसलिए इतने लोग आ रहे हैं, मेरे को समझ रहे हो। एक और मैडम आ गई शायद, आ जाइए मैडम, क्या चाहिए आपको? अभी वो देखिए नया स्टॉक भी आया है अपने पास। अरे पास्ता ख़त्म हो गया, पास्ता मंगाया क्या मैंने? मैंने पास्ता मंगाया है क्या? $6 का लिया है मैडम ने, ओके मैडम डन डन, आपका डन, आपका क्या है? फ्लोर है, ओके कार्ड ले रही है मैडम, 3.50, ओके डन डन डन, मैडम जल्दी आइए वापस। अभी मैंने क्या क्या मंगाया मेरे को वो देखना पड़ेगा इसको, ये क्या है ये? हाँ ये है वो, इसको ओपन करके ऊपर वाली सेल्फ पे, नहीं नीचे वाली, बच्चे तो नीचे रहते हैं ना, नीचे से लेंगे बच्चे। मैडम जो चाहिए वो ले लीजिए आप, आपका ही दुकान है।
क्या ले रही है मैडम? अच्छा एक ये ले रही है, ओके एक कार्ड और ये $3। मैडम जल्दी, आई कुडंट फाइंड पापराजी पास्ता। ओके 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 ले डाल रहे मैडम, टेंशन मत लीजिए आप, ये ब्रेड जाएगा अपना इधर, ये ओपन करके इधर डाल देंगे अभी ब्रेड। ये ब्रेड गया, हाँ ब्रेड गया। सर आइए, आपका ही दुकान है सर, क्या चाहिए आपको? अरे लाइट नहीं है क्या दुकान में? यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट विदाउट सेलिंग इट्स, अरे वो मैंने सेलिंग प्राइस ही नहीं लगाई उधर। अरे सर ए बंद कर दो इसको, क्लोज्ड। इसने फोकट में लिया क्या? और इसने फोकट में ले लिया, इससे पैसा नहीं, इसको नहीं बेचूंगा मैं साला। अरे यार अब क्या करूँ, इसको वापस कैसे बेच दूँ? नहीं मैं तेरे प्रोडक्ट ही नहीं दूंगा साले, फोकट में मिल रहा है तो क्या लगे। चल बक एवरेज प्राइस कितना है? हाँ तो इसको 4.5 में बेचेंगे इसको। मैं देखो जितना मार्केट प्राइस है उससे 8-8 सेंट या जो जो है ना उतना कम बेच रहा हूँ मैं। ए भाई तू जा घर पे, तू निकल, तेरे को फुकटी की कुछ चीज़ देंगे नहीं मैं, एंटर तो फिनिश दे दे, फिनिश कर देता हूँ मैडे। हाँ अरे भाई बैलेंस देखो, $54 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। You will receive daily bill starting today. Make sure to pay the bills using your computer before. The more electrical devices, the more expensive the bills. Oh, अच्छा 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 अच्छा। Okay, तो मुझे क्या क्या मंगाना है? इन चीज़ों को अच्छे से लगा देंगे अपन, इनको अच्छे से लगा नहीं सकता क्या मैं? चलो कोई नहीं, पास्ता मंगाना है। वो बंदा लेके गया शायद वो ब्रेड, साला हरामी। तो अभी एक पास्ता मंगा लेंगे, एक नहीं दो मंगा लेंगे, पास्ता अच्छा बिक रहा है। $3 बचे, लेकिन अपना सब आ गया सामान। और प्राइस टैग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तक डे स्टार्ट नहीं किया है। ऑयल को किधर रखेंगे? चलो इधर रख देंगे। ये ऑयल गया, ये गया डस्टबिन में। ये क्या है इसके अंदर? इसके अंदर सुसु है। सुसु, ये सुसु क्या है? सुसु क्या है भाई, सुसु क्या है ये? ओके तो सुसु इधर लगा देंगे अपन। सुसु सुसु लग गई, तीन सेल्फ में सुसु लग गई, बढ़िया। सुसु गया, ये क्या है? ये अपना पास्ता है, ये अपना हीरो प्रोडक्ट है। ये पास्ता इधर जाएगा, ये पास्ता गया, पास्ता के दो मंगाए मैंने, बढ़िया। ये गया इधर और पास्ता, बढ़िया बढ़िया। तो बस अभी फ्लावर अच्छे से मैनेज करना है मुझे, बट वो निकल नहीं रहा, मतलब बाहर, ये बाहर नहीं निकल रहा। एक फ्लावर मंगा भी नहीं सकता मैं, बीच में मंगा लूँगा जब फ्लावर ख़त्म हो जाएगा ना, तब मंगा लेंगे फ्लावर। चलो इतना ठीक है, अभी मैं डे चालू कर रहा हूँ आज का। ओके तो दूसरा डे अपना गिरे का, और देखते हैं आज कितने कस्टमर आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। कौन आ रहा है पहला कस्टमर अपना? दीदी दीदी ये दुकान बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा दुकानदार इधर का, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। नहीं दीदी को इंटरेस्ट ही नहीं है। आ गई एक दीदी आ गई। वैसे इसका कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ क्या मैं, मतलब मेरे दुकान का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं क्या? चलो देखेंगे बाद में। दीदी ने सुसु लिया है, यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट। अरे मैंने फिर से हक दिया, मैंने सेलिंग प्राइस ही लगाना भूल गया भाई, सुसु और ब्रेड चला गया फोकट का। भाई मैं हगू यार। अच्छा वो देते हैं पैसे भाई, अच्छे लोग हैं ये, भाव टू भाव में बिक रहा हूँ शायद मैं ये। अच्छे लोग है भाई, क्लोज कर दो एक सेकंड, मैं मेरे को प्राइस टैग लगाने दो। आ जाओ मैडम आ जाओ, ओपन है अपना दुकान। अरे 11 बजने को आए रे, अपना कुछ हुआ ही नहीं आज इतना। ओके सर को क्या चाहिए? सर को तेल चाहिए। ओके कितना हुआ सर का? $10। डन 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 सर का डन। 11:30 बज गए भाई, कोई आ ही नहीं रहा आज। सर आ गए, नए सर आ गए। तो अभी मुझे मेरा एक परफॉर्म टास्क इधर, परफॉर्म चेकआउट्स करके इधर लिखा है, तो मुझे 25 अभी करने हैं वो, फिर आई गेस कुछ आगे होगा। 15.90 सर, इससे कम में आपको किधर नहीं मिलेगा, आप वापिस आएंगे मैं ऐसा आशा करूंगा। सर निकल गए, सर ने सुना ही नहीं कुछ मैं क्या बोल रहा था। ओके सब कार्ड ही देते भाई, बड़े लोग हैं सारे। और ये प्रॉपर्टी वगैरह मैंने कैसे खरीदी? उधर से अगर स्टार्ट होता कि भाई मैं जगह ढूंढ रहा हूँ और फिर मुझे जगह मिल रही है, मतलब मैं खरीद रहा हूँ जगह इन शॉर्ट, फिर भाई क्या ही मज़ा आ जाता ना। सर आ गए शायद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर आ जाओ, और लोग आने चाहिए रे।
8.50 डन सर आपका डन। मुझे आई थिंक मैंने थोड़ी प्राइजेज और बढ़ा देनी चाहिए, डे थ्री पे और प्राइस बढ़ा दूंगा मैं, उससे मेरा प्रॉफिट मतलब मेरे को और चीज़ें अपग्रेड भी करनी है ना जल्दी से। तो भाई लोगों का पहला डे अच्छा नहीं जाता, मेरा डे वन अच्छा गया था और डे टू ऐसे क्यों, मतलब ऐसे क्यों हो रहे हैं। आज थोड़ा लेट नाइट तक थोड़ा चालू रखेंगे, देखते हैं और कितने लोग आएंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट बाकी है मेरा। चौको ख़त्म हो गया है गेस, नहीं चौको भी बाकी है। फर्स्ट डे भी अच्छे खासे लोग आ गए थे भाई। सर जाइए, ये बहुत अच्छा दुकान है, ये इधर आ, बढ़िया घुस जाओ। ये कार्ड ही मुझे बेटर लगा है बहुत, पता है बहुत जल्दी से हो जाता है, कुछ मेरे को निकालना ही नहीं पड़ता। लेट नाइट अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, 9 बजे तक ही चालू रख सकता हूँ शायद मैं। ले जाओ जितने चीज़ें लेनी है, इसके बाद दुकान बंद होगा मैडम, कुछ और लेना हो तो ले लो। ये हो गया मैडम का। सर ने भी बहुत बच्चों के लिए, सर ले रहे हो आप, बढ़िया। इधर से बेस्ट आपको किधर मिलेगा ही नहीं सर, ठीक है, बेस्ट जगह ही है, कभी भी आइए आप। तो इतना माल बिकने देता हूँ, बस इसको रिस्टॉक कर देंगे और ये चौको को रिस्टॉक कर देंगे। देखो पास्ता बहुत सारा पड़ा है, सुसु की ज़रूरत है, सुसु मंगा लेंगे, तेल मंगा लेंगे। 19 कस्टमर, जितना प्रॉफिट हुआ सप्लाई कॉस्ट इतना हुआ। मार्केट प्राइस चेंज हो गई, ओके तो कितना होगा इसका, बढ़ गया इसका मार्केट प्राइस, तो अभी मैं इसका 4 कर रहा हूँ, सॉरी कस्टमर हो। ओके तो आज का श्री गणेश करते हैं, और मुझे ये लेना है प्रोडक्ट का लाइसेंस, मुझे ख़रीदना है, तो मेरा ये गोल है अभी। ओके दुकान खोल के अभी कितना टाइम हो गया भाई, 1 घंटा होने को आ गया, कोई कस्टमर नहीं आया है अभी, आज कुछ धंधा ही नहीं हुआ है अपना। 1 घंटा हो गया, 8 बजे खोली थी, अभी 9 बज गए। आ जाओ दोनों सर आ जाओ साथ में अंदर। एक तो आ गया, चलो एक तो कस्टमर आ गया। क्या चाहिए सर को, चौको भाई, ये एक एक प्रोडक्ट के लिए आ रहे भाई ये लोग, क्या है भाई $60 क्या है भाई, क्या चिंदी चोरी कर रहे हो। ये मैडम से सीखो कुछ, 3-4 प्रोडक्ट ले रही है मैडम का, कितना 12.50। जल्दी आइए मैडम वापस, यार ये साइंटिस्ट मैडम आ गई, साइंटिस्ट मैडम को सुसु चाहिए और बहुत सारा चौको भाई, क्या क्या भाई, अच्छा है मेरे लिए तो अच्छा ही है। 19.50 मैडम जल्दी आइएगा, साइंटिस्ट हो आप, आपकी वजह से अपना देश चल रहा है, इसको 50 सेंट का चेंज है। ओके डन, जल्दी आइएगा सर वापस, ऐसे फट कस्टमर आने चाहिए, अरे फिर मज़ा आता है भाई, ऐसे बहुत सारे कस्टमर आ गए। सर जल्दी से आइएगा, मैडम आ गई, मैडम आप आई थी पहले भी, और बाप रे बहुत सारा सुसु ले लिया मैडम ने। ये पास्ता और सुसु बहुत बिकता है गेस, $19 हो गए मैडम के, और मैं अभी वो प्रोडक्ट का लाइसेंस भी ले सकता हूँ, अभी मेरे पास 220 है तो मैं ले सकता हूँ वो, और स्टॉक भी अच्छा खासा मेरे पास रह जाएगा आई गेस। थोड़ा सा खाली हुआ है अभी भी टाइम है, मतलब देखते हैं आज कितना होता है, अभी क्या क्या बचा है अभी। भाई ये चौको मैंने रिस्टॉक कर दिया तब, ख़त्म हो गया, सुसु नहीं ख़त्म हुआ, सुसु बहुत बचा है, सुसु मंगाने की ज़रूरत नहीं, ऑयल अच्छा सुसु बहुत ज़्यादा बचा है, सुसु बहुत ज़्यादा बचा है, सुसु को मैं मंगा ही नहीं रहा वापस, जब तक वो वाला स्टॉक ख़त्म नहीं होगा तब तक नहीं मंगाएंगे अपन। आ रहे रात में सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं भाई, अरे बाप रे किसके लिए लेके जा रहा है इतना, $1 डन। क्या मैडम कार्ड होगी, ओके 8 वापस आए, आपकी जुड़वा बहन है इधर, क्या कैश देगी आप, ओके $1 का चेंज आपका डन। कुडंट फाइंड पनाजाती पिज़्ज़ा, अरे हाँ वो पास्ता वह ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ना स्टॉक, बस सुसु बचा है, सबको वो पास्ता बहुत डिमांड में भाई, मुझे समझ रहा है ये, मैं अभी नहीं मंगा रहा, आज का डे ख़त्म होने देते। ये चौको लिया सर ने, $13 12 डन, $1 का चेंज, ओके बहुत जनों को बहुत। तो ये पूरा सेल्फ मैं पास्ता से भर दूंगा, ये पूरा सेल्फ चौको से भर दूंगा, सुसु मैं ऑर्डर नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, नेक्स्ट डे के लिए। और यस मुझे अब मैं वो लाइसेंस भी ख़रीद सकता हूँ, देखते ही ये मैडम आएगी क्या, मैडम आएगी आप, एक लास्ट कस्टमर ले लूँगा मैं, आई डोंट माइंड। ये बहुत अच्छा दुकान है, ये इधर, अरे आ गई, लेट्स गो। क्या लेंगे मैडम, मैदा नहीं, सुसु लेंगे मैडम, मैदा भी लेंगे और सुसु लेंगे क्या,
अरे है ना उधर। अच्छा तू एक्सपेंसिव बोल रही है, वो ब्रेड की मुझे ये कम करना पड़ेगा वैल्यूएशन। ये 4.5 में जो बेच रहे हो इसको 4 कर देंगे अपन। ये 4 ठीक है, ये इसका ऑलमोस्ट अभी सेम है एवरेज रेट से। सुसु मैं मंगा ही नहीं रहा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि कोई बोला ही नहीं। पास्ता का बहुत ज़्यादा ये है, ये डे भी फिनिश हो गया, आज का प्रॉफिट भी अच्छा खासा, इनकम बहुत सारी हो गई, सप्लाई कॉस्ट इतना ही हो गया। और हाँ प्रोडक्ट का लाइसेंस भी ले लेते हैं आज। ये हो गया परचेज, तो अभी ये सारे प्रोडक्ट्स अपन खरीद पाएंगे नए नए। लेकिन अभी डिमांड भी तो देखनी पड़ेगी ना। और ये अच्छा ये बिल्स है मेरे, ये रेंट का पैसा, ओ ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती रहेगी मुझे। चीज़ भी मंगा सकता हूँ अब मैं, तो एक चीज़ मंगा लेंगे, वाटर बॉटल भी मंगा लेंगे, मिल्क मंगा लेंगे, कॉफ़ी भी आ गई भाई, कॉफ़ी डार्क रोस्ट। बाप रे बहुत लाइसेंस मिल गया मुझे, फ़िलहाल के लिए $43 ही बचे हैं मेरे पास। इतनी सारी चीज़ें पहले लगा देंगे अपन, पहले ब्रेड लगाते हैं। ये क्या है, ये वाटर बॉटल नया प्रोडक्ट है अपना। प्रोडक्ट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन फ्रिज, भाई ये क्या है, इसको इधर कोने में रख दो भाई। फ्रिज चाहिए इसके लिए, वाटर बॉटल के लिए। तो भाई हमारे इधर तो ऐसे ही बेचते हैं लोग। ओके फिलहाल के लिए वाटर बॉटल को साइड में रहने देते हैं। ये क्या है, हाँ फ्लोर है, ये भी फ्रिज में जाएगा भाई। ये तो देखा ही नहीं मैंने, ये देखना चाहिए था ये सब चीज़ें मैंने। आई होप ये एक्सपायर नहीं होता ये बस। ये क्या है, ये तो टोस्ट लग रहा है, टोस्ट कैसे फ्रिज में जाएगा। और आज के रेट भी चेक करने पड़ेंगे मुझे कि रेट क्या चल रहा है मार्केट में भाई। मिल्क भी इसमें जाएगा ना, मिल्क भी फ्रिज में जाएगा, फ्रिज लेना है गाइज मुझे। तो इधर दिखता होगा ना कि क्या चीज़ किसके अंदर जाती है। हाँ देखो शेल्फ 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 लिखा है इधर। ये चॉक पिक का क्या चल रहा है, इसको $1 एक्स्ट्रा में बेच रहा हूँ मैं, इसको भी 6 में बेच देंगे भाई। कॉम्पिटिशन से राइट, मैं प्रॉफिट के इसमें ये भूल गया कि अपने कॉम्पिटिशन के साथ अपने को मेंटेन रहना पड़ता है इस। ओके तो ये आई गेस 4 डे है मेरा, एंड लेट्स गो। चालू हो चुका है दुकान, 1 घंटा कोई आता ही नहीं मैडम, अंदर 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 नहीं जा रही भाई। 9 बज जाते, 8 से 9 ऐसे ही बज जाते, कोई आता ही नहीं है। कुडंट फाइंड कॉफ़ी डार्क रोज, भाई पैसा ही नहीं था मेरे लिए मेरे पास। ठीक है मंगा लेता हूँ मैं वो चॉकलेट, वो कॉफ़ी, कॉफ़ी और टी है आई गेस, तो टी और कॉफ़ी दोनों मंगा लेंगे। थोड़े पैसे आ जाने दो मेरे पास भाई। बॉटल्ड वाटर उधर रखिए ले जा, फ्रिज नहीं है बस मेरे पास। फ्रिज का क्या रेट है देखना पड़ेगा। शेल्फ फ्रिज ए $200 के आते हैं भाई, ये अच्छे खासे महंगे है भाई। कस्टमर है सुसु, सुसु ले रही है, $12 की सुसु ले लिया इसने। ओके अरे बाप रे मैडम ने बहुत कुछ ले लिया, 16.30 डन। टी चाहिए भाई, सबको टी चाहिए, अभी मंगा सकता हूँ मैं टी और कॉफ़ी दोनों मंगा लूँगा। तो कॉफ़ी आ चुकी है गाइस, जिसको भी चाहिए होगा कॉफ़ी इधर से ले लो। अरे 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 बाप रे क्या चेंज है इसका, 75, 50, 60, 75, अरे कितने भाई, 50, 71 सेंट्स। ओके डैम, अरे बाप रे लाइन लग गई दुकान में। $5 सुसु क्या चाहिए इसको, $1 चलो सुसु, $6। तो अगर मैंने कुछ भाव नहीं लगाया होगा तो भाव टू भाव में ले लेते जितने में मेरे को पड़ा। अच्छे भाई अच्छे कस्टमर, मुझे लगा फोकट में ही लेके जाते होंगे। ओके इसको कुछ चेंज ही नहीं है। रात में एज यूजुअल ज़्यादा कस्टमर, देखो टी के 2 बिक गए, टी बहुत बिक रही है। देखो ये लोग कॉफ़ी और टी खरीद रहे हैं लोग, इसी का मार्केट है भाई बहुत ज़्यादा। अरे बाप रे बाप बहुत कुछ ले लिया सर ने, $15। इधर ऑप्शन तो आ रहा है देखो कि भाई डे फिनिश कर दो, लेकिन ये लोग कितना सब कुछ लेके जा रहे हैं। मैं क्यों बंद करूँ भाई, लोग आ रहे हैं अभी भी, आन दो ना मैडम। वैसे ये फ्री रोम गेम है क्या, ओ भाई देखो फ्री रोम गेम है ये भाई। ये किधर आ गया मैं, अबे इधर गाड़ी ऐसी लगी पड़ी है, आई थिंक ये पूरा एक सर्कल होगा।
हाँ देखो मेरी दुकान इधर है, पूरा सर्कल है वो, एक काइंड ऑफ फ्री रूम ही बोल सकते इसको, ये स्टोरेज, और ये स्टोरेज बना सकता हूँ मैं इधर, वो मैं लोन ले सकता हूँ। तो 5 दिन में मुझे, अगर मैंने इतना पैसा लिया तो मुझे इतना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, बैंकक्रप्ट नहीं होना है लेकिन मुझे, बट लोन लेके फिर एक फ्रिज लगा दूंगा। ओके तो मैं सोच रहा हूँ कि एक लोन ले लेते हैं, और लोन से ये बड़ा फ्रिज खरीद रहा हूँ मैं, देखो ये वाला किधर का है ये, हाँ ये वाला फ्रिज भी जिसमें डबल डोर है ना, 8 दिन का टर्म रखते हैं, $900 वापस दे देंगे, $150 ज़्यादा भरूंगा मैं। तो ले लिया है मैंने लोन, मेरा फ्रिज आ गया, और प्रोडक्ट्स में ले रहा हूँ, परचेज अ न्यू सेक्शन यूजिंग योर कंप्यूटर टू एक्सपॉन्ड योर स्टोर। न्यू सेक्शन तो मैं ले लूँगा, पहले फ्रिज रख देंगे अपना इधर, ये गया अपना फ्रिज, भाई फ्रिज आ गया, लेट्स गो गाइस। तो अभी इसमें जाएगी, दूध जाएगा इसके अंदर, वाटर बॉटल्स भी है, वाटर बॉटल्स इधर लग देंगे, नीचे गए सब सबसे। 8 दिन है मेरे पास, मेरे को $900 भरने हैं। ये ये चीज़ आई थिंक, इसको इधर रख देंगे, और अच्छे खासे प्रोडक्ट्स ले लेंगे। अभी देखो पास्ता ले लेंगे, सारी शेल्स भर रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद कुछ लूँगा ही नहीं बहुत जल्दी से। ओके बहुत सारी चीज़ें ले ली है मैंने। ओके जब तक अभी अपना अपन अपना लोन नहीं भर देंगे ना, तब तक मैं कुछ अभी एक्स्ट्रा चीज़ें लेने नहीं वाला। ये एग्स है तो एग्स इधर जाएंगे ऊपर वाले सेक्शन में। ओके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अभी है अपने पास, तो आई डोंट थिंक अभी कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए मुझे, कुछ कुछ भी इशू होना चाहिए। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्रोडक्ट्स के दाम नहीं डाले मैंने, ये वाले प्रोडक्ट्स के दाम, बहुत प्रोडक्ट हो गए। मुझे लग रहा है कि मैं बैंकक्रप्टसी में जाने वाला हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग से आ रही है, देखते हैं अभी। ये बिना फ्रिज खोले कैसे वो चीज़ें ले रहा है उधर से, पास्ता एक भी नहीं बिका है आज भाई, क्या कर दिया मैंने ऐसे, पास्ता क्यों नहीं बिक रहा, इसकी डिमांड कम हो गई है क्या मार्केट में, इतना स्टॉक भर के रखा है मैंने पास्ता, एक एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है मेरे पास। ओके तो आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया, 9 बज चुके हैं और लोग अभी तक ले रहे चीज़ें, पास्ता पहला पास्ता बिका है आज का, ये 750 हो गए और मुझे ऑलमोस्ट 900 ही देने हैं, और मेरे पास अभी 7 दिन बचे हैं मेरा लोन देने के लिए। तो यस गाइस, ये थी क्या इस गेम का नाम, सुपरमार्केट सिमुलेटर, जिसमें मैंने खुद की दुकान खोली है, एक फ्रिज भी डाल दिया, एक शेल्फ है, और अभी जो है परचेज अ न्यू सेक्शन, ये अपन और करेंगे अपग्रेड्स अपने जो स्टोर है उसमें, और अपग्रेड्स करेंगे और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो अगर आपको मुझे ये बड़ा बिजनेसमैन बनते हुए देखना है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको और वीडियोस चाहिए इस सीरीज में, तो मैं ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए मैं मिलूंगा ऐसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।